यार मेरा वर्कआउट तो हो गया है बट मैं कुछ करना भूल गया हूँ क्या? एक काम करता हूँ, इन लोगों को बुला लेता हूँ। सुन, मैं कुछ करना भूल गया हूँ क्या? टोस्ट, चिकन, ये सारी चीज़ें लाना भूल, ये सारी चीज़ें भूल गया है। अभी तू क्यों आया है टाइम पास करने के लिए? मिर्ची, चल निकल। यार गलती हो गई, मैंने शैडो क्लोन जोत्सु कर दिया। पर एक सेकंड, कितनी भी गागाई है, मैं नहा धो के जाता हूँ। वैसे नहा धो के फ्रेश हो के जाना चाहिए ना कुछ भी खरीदने के लिए, ये लोग को समझता नहीं है। तो अब मैं जाता हूँ, ठीक है? चलो। डीमार्ट वाले पैकेट को भी पैक करते हैं और बैग देना था। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कुछ ऐसी चीजें जो आपको हेल्प करेगी आपका डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ब्रेकफास्ट के साथ। तो मैं हमेशा ब्रेकफास्ट में ओट्स खाता हूँ और मैं स्पेसिफिकली बैगरी के ओट्स खाता हूँ क्योंकि इसमें 14.2 ग्राम प्रोटीन है। अगर आप क्वेकर का खा रहे हो तो आपको 11 मिलता है, अगर आप कोई दूसरे ब्रांड्स का खा रहे हो तो आपको कम क्वांटिटी में मिलता है, बट बैगरी के ओट्स में 14.2 ग्राम प्रोटीन मिलता है, इसलिए मैं ये खाता हूँ। ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको आपके डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए अगर आपको मसल गेन करना है। वेट लॉस के लिए भी ये बहुत हेल्पफुल है, तो डेफिनेटली ट्राई ओट्स। तो अगर आपको ओट्स अच्छे नहीं लगते तो आप ओट्स में ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हो और ये आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और स्वीटनेस देंगे। तो ओट्स, ड्राई फ्रूट्स, आप नॉर्मल फ्रूट्स भी डाल सकते हो उसमें, जैसे कि बनाना, कीवी, स्ट्रॉबेरी, ऐसे सारी चीज़ें डालो। एप्पल, एप्पल मत डालो क्योंकि मुझे नहीं मालूम, अगर आपको एप्पल अच्छा लगता है उसमें दूध में तो आप करो। बट हाँ, दूध से याद आया कि आपको दूध भी बहुत इम्पोर्टेंट है। दूध में इन एवरी सीजन बियो दूध फॉर हेल्दी रीजन, रहोगे फिर फिट एंड फाइन, जियो के बाद 99। तो आप दूध पियो बॉस। तो ओट्स, ड्राई फ्रूट्स और दूध, ये तीन का कॉम्बो इज अ वंडरफुल कॉम्बो। 100 ml दूध में कुछ तो 3-4 ग्राम प्रोटीन रहता है, तो डोंट अंडर एस्टिमेट मिल्क, ओके, एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। तो दूध डेफिनेटली कंज्यूम करना। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अंडा। तो अभी मैं मेरे अंडे हमेशा लार्ज, मतलब मेरे नहीं, मुर्गी के। तो मैं दुकानदार के पास जाता हूँ और सब बड़े बड़े अंडे चाहिए रहते हैं, तो बड़े अंडे में सबसे ज़्यादा प्रोटीन रहता है। अगर एक लार्ज एग देखो आप तो उसमें 7 ग्राम तक प्रोटीन मिल जाता है आपको एक अंडे में। तो ट्राई करो कि हमेशा लार्ज एग मिले आपको, उसमें ज़्यादा प्रोटीन रहता है। और वेजिटेरियंस के लिए इसका सब्स्टिट्यूट पनीर, सोया चंक्स, ये सब आप खा सकते हो। बहुत सारे चीज़ें हैं जिसमें प्रोटीन रहती है, बट मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ तो मैं पूरा फ़ायदा उठाता हूँ ना, मैं क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करूँ। तो अंडा, ब्रेड बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं अगर आपको आपका कैलोरीज हिट करना है, क्योंकि ब्रेड में भी प्रोटीन रहता है, क्योंकि आफ्टर ऑल ये वीट का बना हुआ रहता है। तो मैं मेरे ब्रेड्स में एग डालता हूँ, चिकन डालता हूँ, चीज़ डालता हूँ, वेजीज डालता हूँ। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों को मिक्स एंड मैच करते हो तभी वो एक हाई प्रोटीन मील हो जाता है।
मैंने कुछ रेसिपीज भी बनाया है पिछले वीडियो में, तो जाके चेक करो अगर आपको चेक करना है। मैंने प्लेलिस्ट बनाई है और व्लॉग्स में भी मैंने कई रेसिपीज बनाई है स्टार्टिंग में, तो डेफिनेटली चेक इट आउट। ब्रेड दोनों लोग खा सकते हैं, जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं या फिर मसल गेन करना चाहते हैं। जो लोग मसल गेन करना चाहते हैं, मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप ब्रेड्स को इग्नोर मत करना, ब्रेड्स खाओ। और जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं, अगर आपको ये ब्रेड्स नहीं खाने हैं तो आप इसका सब्स्टिट्यूट खा सकते हो, जो कि है चपाती। चपाती इज वंडरफुल, ट्रस्ट मी। बस मेरे को ब्रेड अच्छे लगते हैं खाने के लिए, इसलिए मैं खाता हूँ। आप लोग को अच्छे नहीं लगते तो चपाती खाओ। तो अभी इसकी बात खत्म करते हैं। और ये चीज तो चीज एक ऐसा चीज है, अगर आप लिमिट में खाओ तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है, बट अगर आप इसका एक्सेस करो ना तो पूरा वाट लगा सकता है आपका। आई नो चीज जैसा वंडरफुल चीज कुछ है ही नहीं, मैं ये बोलना बंद कर देता हूँ, ठीक है? इससे वंडरफुल कोई है नहीं चीज। बट हाँ, मैं खाता हूँ चीज, कभी कभी डाल देता हूँ बीच बीच में। ये वो ऐसा डाइस चीज है तो वो अच्छे से मेल्ट हो जाता है। अमूल चीज भी वंडरफुल, ब्रिटानिया, सारे चीज अच्छे रहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है चीज। बहुत हो गया अभी चीज। तो अभी मैं बताता हूँ आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज, चिकन। चिकन मतलब ऐसी चीज है, मतलब क्या ही बोलूं, जूसी। उसको आप क्रिस्पी कर सकते हो, जूसी कर सकते हो, इतना सक्यूलेंट रहता है वो। चिकन जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। तो चिकन में बहुत सारा प्रोटीन रहता है, इसलिए मैं चिकन खाता हूँ। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप सोया चंक्स खा सकते हो, आप पनीर खा सकते हो, आप दाल खा सकते हो, काला चना खा सकते हो, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने उस पर भी वीडियो बना के रखा हुआ है, तो वो भी देख लो चाहिए तो। बट अगर आप 100 ग्राम चिकन आपके डाइट में इंक्लूड कर दो तो आप 29 टू 30 ग्राम प्रोटीन एक मील में ही ख़त्म कर सकते हो। आप 100 ग्राम से ज़्यादा भी खा सकते हो, तो इसको कभी अंडर एस्टिमेट मत करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इन सारी चीज़ों को जब भी आप मिक्स एंड मैच करते हो ना, तभी आपका मील फुल फाड़ बन जाता है। उसमें इतना ज़्यादा प्रोटीन रहेगा ना कि आपको कुछ आइडिया भी नहीं है। तो ऐसे मिक्स एंड मैच रेसिपीज में आपको देता रहूँगा। मैंने रिसेंटली एक 65 ग्राम प्रोटीन वाला सिंगल मील वाला एक रेसिपी बनाया था, तो वो देखो। और ऐसा बीफी मील्स खाओ, अगर आपको साइज में बड़ा होना है ना, आपको मसल गेन करना है, तो आपको अच्छा खाना खाना पड़ेगा। ऐसे ये स्टूपिड चिवड़ा, ये सारी चीज़ें खाओगे ना तो आपका पेट भी नहीं भरेगा। और ये क्या है, 113 रुपये में इतना सा पैकेट आता है, 120 रुपये में इतना बड़ा पैकेट आता है। अभी आप ही बोलो आप क्या चूज करोगे। बट कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। चलो, कैसा लगा मेरा मजाक?